आप ऐसे कमरे में चले जाइए जहाँ बहुत शोर शराबा ना हो, आपकी बहुत डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप अपने हाथ में एक छोटा पेपर पकड़ लीजिए, उस पर टाइम नोट कर लीजिए कि अच्छा इस वक्त 8:30 है, 9 o'clock का टाइम है, और आपने अपनी बेबी की मूवमेंट का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। कोशिश करें कि आप लेट जाएं और एक साइड पे करवट ले लें और उस वक्त आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमन ज़की है। पिछले 22 साल से मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ और करेंटली इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चे की हरकत हमल के दौरान, बेबी मूवमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल तो ख़वातीन का ये होता है कि बेबी मूवमेंट्स कब स्टार्ट होती हैं। अगर तो आपका हमल पहला हमल है और उस सूरत हाल में बेबी मूवमेंट्स यूजली आप अर्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अगर हम बेबी मूवमेंट्स कब स्टार्ट होती भी बात करें तो बिल्कुल जो शुरू में हम आपको अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं एज अर्ली एज 8-9 weeks वाला अल्ट्रासाउंड, आपको उसमें बच्चे की मूवमेंट नज़र आ रही होती हैं। 12-13 हफ्ते वाले अल्ट्रासाउंड पर तो बच्चा बहुत ही अच्छा मूव कर रहा होता है और ख़वातीन ये परेशान हो रही होती है कि हमें क्यों नहीं फील हो रहा, उस वक्त वो बच्चा बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 4th या 5th महीने में एंटर होता है, जब उसका साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, तो फिर आप उसकी मूवमेंट को फील करना शुरू करते हैं। पहली प्रेगनेंसी में ये मूवमेंट आपको फील होती है 5th month में जाके मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर आपका दूसरा तीसरा या चौथा हमल है तो वो आपको अर्ली भी प्रसीव करना शुरू कर देती है। ख़वातीन 4th महीने में भी बेबी मूवमेंट्स प्रसीव करना शुरू कर देती हैं। बेबी मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे की वेल बींग के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा जब जैसे पेशेंट हमसे मिलने आता है, हमारे पास उनका विजिट होता है, तो पहला सवाल मेरा उनसे होता है कि अच्छा बेबी के मूवमेंट्स ओके हैं, और वो आराम से कॉन्फिडेंटली अगर ये जवाब दे देती है कि हाँ बच्चे की मूवमेंट्स ओके हैं, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो बेबी की मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंस है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक बच्चा जो कि वेल ऑक्सीजनेटेड है, जिसको अपने ग्लूकोज पूरा मिल रहा है, ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, यूजुअली वो अच्छा मूव कर रहा होता है। तो जो बेबी अच्छा मूव कर रहा होता है उसको हम समझते हैं कि ये एक नॉर्मल बच्चा है और इस वक्त कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं। अगर आपको लगता है कि बेबी की मूवमेंट में चेंज आई है, अगर आप उसका पैटर्न डिफरेंट लगने लगता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी मूवमेंट का रिकॉर्ड रखें। अब इसमें दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और सिर्फ आपको जो चीज़ तंग कर रही है वो बेबी की मूवमेंट की कमी है। इस सूरत हाल में पैनिक होने की बजाय बड़ा ज़रूरी है कि आप कुछ खाने के लिए ले लो, प्रेफरेबली कुछ मीठा ले लीजिए, और आप ऐसे कमरे में चले जाइए जहाँ बहुत शोर शराबा ना हो, आपकी बहुत डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आप अपने हाथ में एक छोटा पेपर पकड़ लीजिए, उस पर टाइम नोट कर लीजिए कि अच्छा इस वक्त 8:30 है, 9 o'clock का टाइम है, और आपने अपनी बेबी की मूवमेंट का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। कोशिश करें कि आप लेट जाएं और एक साइड पे करवट ले लें और उस वक्त आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आपका बेबी 1 घंटे के अंदर 10 से 12 मूवमेंट कर लेता है तो आपको इसको फर्दर रिकॉर्ड करने की, चार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मूवमेंट इससे कम है तो नेक्स्ट 1 hour के लिए भी आप इसको कंटिन्यू करो, और उसमें अगर आपको 10 से 12 मूवमेंट हो जाती हैं तो वो भी एडिक्वेट है। जो एक नॉर्मल बच्चा होता है अगर वो पूरे दिन में 10-12 दफ़ा मूव करता है तो वो भी एडिक्वेट होती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लेट कर इस बात को नोट कर रहे हैं कि आपकी बेबी की मूवमेंट्स एडिक्वेट हैं या नहीं है, तो अगर आपको 2 घंटे में भी 10 से 12 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं तो उसको एडिक्वेट समझा जाता है और उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये मूवमेंट्स फील नहीं होती हैं, उस सूरत हाल में डेफ़िनेटली आपको लेबर रूम जाना चाहिए, यानी इमरजेंसी में चले जाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप इमरजेंसी में जब जाएंगे तो वो बच्ची की CTG निकाल के देते हैं। इस लाइक ECG स्ट्रिप की तरह एक CTG निकाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज है या नॉर्मल है। अक्सर केसेस में ये देखा गया है नॉर्मल प्रेगनेंसी में कि जब वो लेबर रूम आते हैं और बच्चे की CTG को देखते हैं, वो रीअशोरिंग होते हैं, उन्हें यूजली बाय दैट टाइम मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। उस वक्त उन्हें फीटल केक काउंट भी दिया जाता है, जिस पेपर का मैंने अभी जिक्र किया था, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट सेटिस्फाइड होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन इसको इग्नोर करना किसी सूरत भी अकलमंदी नहीं है। दूसरी सूरत हाल ये है कि वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो,
अगर आपको हमल में किसी किस्म की जैसे प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर ब्लड प्रेशर है, या ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड पर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है कि बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, या बच्चे का पानी कम है या ज़्यादा है, अगर ऐसी सूरत हाल है, यानी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, ऐसी सूरत हाल में अगर आपको बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होती है, तो बहुत ज़्यादा आपने घर पर इंतज़ार नहीं करना। ऐसी सूरत हाल में बच्चे को हो सकता है ये नुकसान की पहली निशानी हो, सो ऐसी सूरत हाल में आपने इमिजिएटली जो आपका अपना हॉस्पिटल है, या अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे की हार्ट बीट को कन्फर्म कराना है, तो आपके जो करीबी हॉस्पिटल है वहाँ लेबर रूम में जाइए और बच्चे की CTG करवाना, उसकी हेल्थ के बारे में रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की हरकत यूजुअली मैंने जैसे पहले जिक्र किया 4th to 5th month में स्टार्ट होती है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल एक पैटर्न पे सेट हो जाती है, आपको 10-12 मूवमेंट्स पर डे फील होती हैं। दरमियान में ऐसा वक्त भी आता है कि बच्चा नॉर्मली स्लीप में चला जाता है, वो 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी डाइटरी इंटेक को बेहतर करते हैं, जब आप बिल्कुल आप उसको फोकस करके 1.5 से 2 घंटे उसको फोकस्ड आप उसकी मूवमेंट्स का कर रहे होते हैं, तो यूजली 2 घंटे के अंदर आपको उसकी मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाती हैं। और अगर इस सूरत हाल में अगर 2 घंटे तक भी आपकी मूवमेंट अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उस सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।